वेलकम बैक टू रोन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूँ आपके दोस्त राधि। बेसिकली इसमें मैं आपकी एक और क्वेरी जो है वो सॉल्व करने वाली हूँ। मैंने क्वेरी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो डाली थी, जैसे आइसबर्ग ऑर्डर की डाली है। सो अब यहाँ पे आपकी एक क्वेरी आती है ओपन इंटरेस्ट की, कि हम कहाँ देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट को, कहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी क्वेरीज आती है। सो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो पहले तो ना, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि लोगों ने कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाए। और ओपन इंटरेस्ट का जो मेनली डेटा होता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाते हो, मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ कि कहाँ से हमें ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर धन ऐप का एक सिस्टम है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज है आप समझना, जैसे ही आप यहाँ पर गए, आपके ये टूल्स है, आप यहाँ निफ्टी फिफ्टी पे जाते हो, इधर के जाके यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का पूरा जो है प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आप यहाँ पर जाके ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करोगे, आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब जैसे अब मैं आपका निफ्टी बैंक का ओपन करके दिखाती हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक किया, आपका यहाँ पे निफ्टी बैंक का जो है कंप्लीट एक पेज ट्रेडिंग व्यू की तरह ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरा जो इंटरफेस मिलता है वो ट्रेडिंग व्यू वाला मिलता है, तो हम इससे थोड़ा सा सही है हमारे लिए, क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू यूज करते आ रहे थे, तो ये प्लेटफॉर्म उस चक्कर में सही है। इसका मेन फीचर क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर जाते हो चार्ट पे, यहाँ पर जाके जैसे आप राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा व्यू मार्जिन का, ऑप्शन चेन का, फ्यूचर चेन का, लाइव बिल्टअप का, लाइव ट्रेडिंग डेटा का। ये फीचर्स इसमें अलग है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेंगे। आप जैसे आप यहाँ पर जाके ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हो, तो आपकी स्क्रीन पर उसी टाइम पर ऑप्शन चेन आ जाएगा। तो उसका मेन इंपॉर्टेंट फायदा क्या हुआ कि हमें कोई और वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ा, हमें कोई एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी पड़ी देखने के लिए ओआई का डाटा। यहीं पर आप क्लिक कर सकते हो, इसको दोबारा से यहां से आप रिमूव कर सकते हो। अब आपको फॉर एग्जांपल यहां से अगर आपका व्यू थोड़ा बुलिश है, आपको 18,000 का लेवल देखना है, तो आप जैसे यहां पर ऑप्शन चेन पर जाते हो, आपको 18,000 का देखना है कि 18,000 पर किस किस तरीके से कॉल्स एंड पुट का डाटा बना हुआ है। तो पहली चीज तो ये कि जो ऑप्शन चेन का डाटा होता है वो ऑप्शन सेलर्स की तरह हमें देखना चाहिए, नॉट एज अ ऑप्शन बायर। जैसे हमने पहले ऑप्स्ट्रा पे देखा था, बट वो एक अलग वेबसाइट हो गई। सो यहाँ पे जाकर आपको क्या दिखेगा कि आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एज अ ऑप्शन सेलर देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप गए, ये पूरा कॉल्स का डाटा है, यहाँ पर आप गए ये पूरा पुट्स का डाटा है, यहाँ पर ये ओआई है जो ओपन इंटरेस्ट है, जो अभी टोटल एग्जैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट जो चल रहे हैं, ओआई चेंज यानी ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया है, वॉल्यूम्स कितने थे, एलटीपीस का करंट प्राइस है। सेम इज द केस विद द पुट्स आल्सो। अब यहाँ पे दीज आर द स्ट्राइक प्राइस। अभी जैसे अगर आप देखोगे 17942 पे अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी, 17944 अभी पूरा पोजिशनल वगैरह करके दिखा रहा है, ठीक है। अब इससे ज्यादा जो आगे आगे हम जाते हैं, जैसे अब यहाँ पर आप चार्ट में देखोगे तो 17950 जाओगे हम, और 18,000 18,050, तो ये सारे हमारे ऊपर के लेवल्स हो गए ओआई में। ये सारे लेवल्स जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे डाउन साइड में, तो क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो एज अ सी यानी अगर आप कॉल बाय करते हो तो हमारे लिए वो जो स्ट्राइक प्राइस पड़ेगा वो मान लीजिए ओटीएम पड़ेगा, और ओटीएम का जो प्राइस होता है वो सस्ता होता है। इसलिए जब आप कॉल्स के साइड पर जाके आगे आगे वाले स्ट्राइक प्राइस देखोगे ना, तो आपको सारे सस्ते दिख रहे होंगे, जैसे 17950 का स्ट्राइक प्राइस 96 का, 18,000 का 71 का, 18,050 का 51 का, फिर 18,100 का 37 का। तो ये सारे क्या होगा, और ये सारे इंदा मनी के हो गए, एटीएम के हो गए, इंदा मनी हो गए। तो इंदा मनी जितना डीप इंदा मनी जाओगे प्रीमियम्स महंगे होते गए, और ओटीएम जाएंगे प्रीमियम सस्ते हो गए। पुट का क्या सिस्टम है, पुट का सिस्टम है कि पुट के प्राइजेस आईटीएम बनेंगे जो हमारे कॉल्स में ओटीएम बन रहे थे, ठीक है, क्योंकि पुट के अकॉर्डिंग तो मार्केट गिरनी चाहिए। तो अब अगर 17950 से 17900 जाती है, 17850 जाती है, तो वो हमारे ओटीएम हो गए पुट वाली साइड पे। इसलिए जैसे जैसे ये वाले प्राइसेस यहाँ पे है 18,000 18,050 18,100, ये सारे हमारे लिए आईटीएम हो गए एज अ पुट। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे 18,000 18,050 18,100 आ रहा है, पुट के जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, 180 होगा, 220 हो गया, 149, इस तरीके से। तो कॉल्स में ओटीएम में सस्ते होते जा रहे हैं, पुट में बढ़ते जा रहे हैं। अब ओआई का क्या फायदा इधर के साइड पर, ये जितना भी आप जो यहाँ पर पॉजिटिव आप साइन देख रहे हो ना, जो भी ग्रीन है, जो परसेंटेज चेंज ग्रीन में आया है, इसका मतलब है कि इतने यहाँ पर ऐड हुए हैं। अब इसको आप ऐसा ऑप्शन सेलिंग देखो,
तो यानी यहाँ पर जैसे आप देखो 18,000 पर, 18,000 पर क्या प्राइस है 71 रुपीज का, और चेंज कितना है 67.47 लाख, यानी ऑलमोस्ट 121.61%। इसका मतलब इतने लोगों ने 18,000 की जो कॉल है वो सेल की है, ये कॉल बाय नहीं की, कॉल सेल की है, ठीक है। यानी अगर आप 18,000 के लेवल पर देखोगे तो यहाँ पर 121% 67.47 लाख लोगों ने कॉल सेल की है, यानी उनके अकॉर्डिंग 18,000, इतने लोगों के अकॉर्डिंग 18,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, उन्होंने यहां पर सेल कर दिया, ठीक है, यहां से मार्केट रोक दिया। पुट में अगर आप चाहते हो 18,000 के पुट का डेटा अगर आप देखते हो तो 15.40 लाख, यहाँ पर 67.47 लाख है, लेकिन पुट में 15.40 लाख लोगों ने पुट सेल किया। पुट सेल करने का मतलब है कि उनके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जानी चाहिए, तो 15 लाख लोगों के अकॉर्डिंग, जो जो भी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाए कॉन्ट्रैक्टर्स के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए उन्होंने पुट सेल किया है। क्योंकि पुट बाय करने का मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इतनी पोजिशंस बनी हुई है, तो इस तरीके से आप लाइव मार्केट में डेटा देख सकते हो। और मेनली ये एंड ऑफ द डे से ज्यादा बेटर होता है ओआई डेटा, आप लाइव मार्केट में देखोगी किस किस तरीके से पोजिशन चेंज हो रही है और किस किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। सेटिंग में आपको ये चीजें थोड़ी बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे आपको ओआई समझ में आने लगेगा। एंड एट द एंड में यही बोलूंगी कि प्राइस एक्शन किंग है, बट ओआई आप उसको थोड़ा असिस्टेंट और एज अ हेल्पर की तरह आप थोड़ा व्यू बनाने के लिए यूज कर सकते हो। बट मेन प्राइस एक्शन पे जाओ, OI भी यूज करो, यहां से ये भी समझो, सारी चीजें समझो, तो यहां पर आपको ये वाला फीचर मिल जाएगा धन ऐप में। और सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप धन ऐप में अपना अकाउंट ओपन कर दो तो 3 मंथ्स का एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप से मैसेज भी आ जाएगा मेरी तरफ से वेलकम का, और आप अपनी क्वेरीज भी उधर पूछ सकते हो। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी।